मेन चीज पहले बताना, मैं लग कहता रहा हूँ, एक बार खड़ो के दिखाता हूँ। मुझे नहीं लगता शायद ही किसी ने ऐसी डिलीवरी ली होगी कि ऑटो में आए भाई डिफेंडर लेने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 मतलब कम से कम 50,000 कमेंट कर देना इस वीडियो में, मतलब देख के अच्छा लगा कि हाँ भाई 50,000 बंदा हमें देख रहा है और हमें हमारा अच्छा चाहता है। फ्रंट व्यू देखो यार गाड़ी का, क्या सही लग रहा है ना। क्या बात है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। और सुबह सुबह का मौसम एंजॉय करते हुए, बोट की आवाज एंजॉय करते हुए और नजारों के मजे लेते हुए, और आज हम जा रहे हैं अपनी डिफेंडर की डिलीवरी लेने के लिए। तो उसी बात पे सबसे पहले हम करते हैं चीयर्स। चीयर्स। और एक चीज और बता दूं, कॉफी सिर्फ मेरे मग्गे में है, इन दोनों के हमने पी लिया अपनी, इन दोनों के बिल्कुल खाली है भाई, ये पी रहे हैं। ये लोग कॉफी पहले पी चुके थे, मेरी बची थी, मैं पी रहा हूँ। सबसे मेन चीज पहले बताना, मैं लग कहता रहा हूँ, एक बार खड़ो के दिखाता हूँ। थोड़ा इसमें चलना मुश्किल होता, भी आदत नहीं है ना। देख रहे हो, ये होते हैं भाई जिंदगी के असली मजे। और ये प्लीट्स वाली मुंडू हमने बांधी है। और मुंडू क्या होता है, मुंडू एक अटायर है जो कि यहाँ पर बहुत मशहूर है, हर आम बंदा यहाँ का ये वाला अटायर पहन के चलता है। तो मैंने भी सोचा था कि भाई अगर हम दिल्ली से कोची केरला आ रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, तो यहाँ का अटायर पहन के लेंगे, यहाँ का जो माहौल है ना उसको अपनाएंगे, फिर अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसा लग रहा हूँ, दिल से बताना, बुरा लग रहा हूँ तब भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और अच्छा लग रहा हूँ तब भी बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस अमन भाई का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे निकल पड़ेंगे। अरे मेरी कॉफी, ये दोनों तो खाली कप लेके बैठे हैं, जिसकी भरी हुई है वो छोड़ के आ गया। खाली हो गए वापस बताना, सब सच खाली हो गए, खाली लेके बैठे थे, पी नहीं कॉफी। तो दबाव पे खाली तेरे लिए बनाएंगे। वो देखो कच्चे तोलिए टांगे हुए इन्होंने कुर्सी पे, हर इंडियन ऐसा ही होता है, जहाँ जगह मिलती है ना अपने तोलिए वोलिए पेल रहे, तोलिए के नीचे एक अच्छा भी टांगा हुआ है, वो हम दिखा नहीं सकते। पापा हमने वीडियो बनाने के लिए ना उसके ऊपर तोलिए टांग दिए ताकि थोड़ी वीडियो बुरी ना लगे। मेरा कच्चा तो इसके अंदर ही है। यहाँ चल रहा था फोटो सेशन, मैंने पापा को बोला मेरा चश्मा पड़ा होगा लेकर आना, पहन कर आ गया। सही लग रहा है यार, ये तो मजाक में। अब पता, अब असली दुकानदार लग रहे हैं, वो होते नहीं बड़ी बड़ी किताबों में हिसाब लिख रहे होते हैं, भाई तेरा कितना उधार है, तेरा चले ही गए हैं। अरे हेलो बता दो ना किसका कितना उधार है। ओ हेलो, तेरे तो 10 करोड़ रुपया, मैं नहीं देना है तो तेरे दे 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 मिलेंगे फिर, चलते चलते दुआ में याद रखना, अब गायब हो जाएंगे हम। तो अभी हम आपको एक नया गाना सुनाएंगे, पापा की जुबानी। अब सुनाना तो पड़ेगा यार, अब आपने मेरे को सुनाया, अभी पापा ने ना कैमरे के पीछे सुनाया था, मतलब बढ़िया लगा, कैमरे में सुनाओ सुनाओ। पापा नहीं यार, नहीं प्लीज, एक बारी हंसी लोग पहले, अब भाग जाओगे, यही बैठो। मतलब गाना ऐसा है ना, आप बोलोगे भाई क्या ही बना दिया। सुख जा रे कच्चे कि अब ये होटल हुआ पुराना। आगे भी तो था, इसके आगे भी तो एक लाइन थी। अब हमें है होटल छोड़ के जाना। एक इस कोने में, अच्छा पहले इधर आ एक बारी, तू वही काम करता ना कि अभी जैसे तूने ये वाली पैंट पहन ली, अब इसको जाके वापसी करा देगा शाम को, क्योंकि टैग नहीं उतारा हुआ ना साइड से। ये देख टैग लगा के घूमना। टैग, अरे यार वो आप वहां पर जाएंगे अच्छा लगेगा ना, शोरूम में टैग लगा के जाएंगे, पापा कह रहे मत बता लगे रहने दे। अरे नहीं, टैग उतारने से पैंट पुराना हो जाएगा ना, लोगों पता लगेगा। हाँ 2000 रुपए पता कैसे लगेगा कि भाई 2000 रुपए की पैंट पहनी, 2000 नहीं 2600 रुपए की पैंट पहनी है। वही टाइम 12:15, हमने सोचा था 12:30 तक हम डिलीवरी ले लेंगे, बस अमन भाई का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे ना यहाँ से गायब हो जाएंगे। अरे उम्र देख रहे हो कितनी लंबी है,
कैसा लग रहा है पहले ये बताओ। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सही में बढ़िया है ऐसे? बहुत बढ़िया। नहीं मजाक नहीं भाई, मजाक छोड़ के सर बात की बात लग रहा ना, मैं यहीं पे लोकल हूँ। लोकल मतलब ऐसी डिलीवरी किसी ने डिफेंडर की ली नहीं रहेगी जिसमें मुंडू है। मेरे को लग रहा है किसी यहाँ के बंदे ने भी मुंडू में डिलीवरी नहीं ली। नहीं देखो हम वहाँ से आके मुंडू पहन के यहाँ पे डिलीवरी ले रहे हैं, कुछ अलग तभी तो आएगा। वैरायटी। चले फिर चले चलते सर निकलते। चलो ठीक है। सीन अभी ऐसा है, एक गाड़ी आ रही है दूसरी गाड़ी आ रही है, लेकिन पहले हम शोरूम जाते हैं, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी साइन करने हैं और थोड़ी रील भी बनानी है। सामान हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, जब तक दूसरी गाड़ी आएगी सामान हमारा ले आएगी। एक ये सूट केस लेके जा रहे हैं तो ये भी रील में काम आएगा, बाकी सामान दूसरी गाड़ी में आ जाएगा, अमन भाई लेकर आ जाएंगे। तब तक हम लोग पहुंचते शोरूम। चले भाई चले चलो लेट्स गो। बैठे कैसे भाई, ऐसा लग रहा है बैठे के खुल ना जाए यार। बैठो ना पहले बैठो, वही तो कह रहा हूं बैठो कैसे, पहले बैठो। अब अंदर करो ये देखो हाँ, मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है, गाड़ी लेने जा रहे हैं और इनको नींद आ रही है। वो रहा शोरूम, पहुंच गए हम। अब तो नींद खोल लो। खुल गई। और जैसे जैसे हम शोरूम के पास जाते जा रहे हैं ना, एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा होता जा रहा है। अभी भाई की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, वहां से अपनी गाड़ी में बैठ के निकलेंगे। और आज का हमारा प्लान है रामेश्वरम जाने का, प्लान था कि हम रामेश्वरम की साइड जाएंगे, इंडिया के एक कोने से दूसरा कोना मारेंगे, लेकिन वो प्लान रात को बनाया था। हो सकता है डामाडोल हो जाए, हो सकता है कहीं और निकल जाए, मेरी गाड़ी हाथ में आ जाए ना, अंदर बैठ जाए, उसके बाद गूगल मैप पे देखेंगे कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आप लोग सोचोगे कि वहाँ से तो गाड़ी पे निकला था, ये रोड पे पैदल कैसे आ गया है। देखो सीन क्या है ना, मेरा एक ड्रीम था कि कोई बड़ी सी गाड़ी लेने जाऊँ, या तो ट्रक के ऊपर बैठ के जाऊँ जिसमें बड़े सारे आलू आलू पड़े हो बिल्कुल रॉ तरीके से, या जाऊँ ऑटो में बैठ के। तो ट्रक वाला तो अभी नहीं कर सकता, मैं सोचा ऑटो वाला करेंगे, ऑटो में बैठ के जाएंगे और डिफेंडर लेके निकलेंगे, तो अभी हमारा ऑटो आता होगा। सरप्राइज सरप्राइज, पापा पहले बैठे हुए ऑटो में। एक्चुअली पहले हमने ऑटो रुकवा लिया था, तो ये आपको बाहर बताने के लिए उतरा था कि अभी जाएंगे ऑटो में और गाड़ी लेके बाहर निकलेंगे। चले भाई पापा। मुझे नहीं लगता शायद ही किसी ने ऐसी डिलीवरी ली होगी कि ऑटो में आए भाई डिफेंडर लेने के लिए, लेकिन ठीक है कभी कभार कुछ अलग करना पड़ता है ना, और अपने को ही मजा आता है ये सब चीजें करने में ना। चले भाई चलो। एकदम से खुल जाती है ना। अब ठीक है, तो अभी क्या सीन चल रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं। वैसे हमने 11-12 बजे डिलीवरी लेनी थी, और अभी आप टाइम देखोगे ना 1:20 हो रहा है। एक डॉक्यूमेंट आना है आरटीओ ऑफिस की तरफ से, क्योंकि हमने गाड़ी यहाँ से ली है लेकिन नंबर हम दिल्ली का ही ले रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट का हम वेट कर रहे हैं, जैसे वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा ना फिर हम गाड़ी यहाँ से लेके निकलेंगे, क्योंकि अगर हम डिलीवरी ले भी लेंगे पर्दा उठा भी लेंगे, अभी रोड लीगल नहीं हुई जब तक वो डॉक्यूमेंट आता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कह रहे हैं 2 या 3 बजे तक आ जाएगा, तब तक बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं, एक दो रील वील बनाते हैं पापा के साथ, उसके बाद निकल लेंगे। आज का नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाएंगे। आज गाड़ी लेना श्योर है, आज गाड़ी लेना श्योर है, आज पर्दा उठा के गाड़ी लेके शोरूम से तो निकलेंगे। ये नहीं पता, हो सकता है यहीं पर रुक जाए आसपास ही कहीं पर, ये हो सकता है कहीं 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे निकल जाए, जैसा भी होगा बता देंगे इसी वीडियो में आगे। ये है मेहनत कुछ करने से पहले, ये अब असली आए हैं बंदे। ये हमने यूट्यूब में देख के मतलब इनको पहनाया था पहले वाला यूट्यूब वाला था, अभी असली वाला है। ये पिन लगा दूं नॉट पिन। देखा ये जुगाड़ इनको भी नहीं पता था, ये हमारा खुद का है। ये वो पिन है जो हम पगड़ी में लगाते हैं ना सेट बिठाने के लिए, तो वो पिन हमने यहाँ लगा दी कि सेट बैठ जाए, उसके जो क्या कहते हैं प्लीट्स
वो बिगड़े ना फाइन। और ये देखो सूट केस हम लेके घूम रहे हैं, ये क्यों लेके घूम रहे हैं ये आपको रील पे पता लगेगा। हाँ क्या चाहिए? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। ये ना कांग्रेचुलेशन करता हूँ, सूट केस तू ले जाए। इसके अंदर बहुत सारा सामान है। चलो चलो इससे गाड़ी भी आ सकता है। हाँ ये मैं ऐसे फेंकूंगा और वहां से गाड़ी आ जाए निकल गई अपने आप चलेगी भाई साहब। उसको भी बता भाई टैची को भी पता कहाँ जाना है, वहीं जाएगी तभी वो चाबी आएगी। फाइनली आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ये गाड़ी जो है हमारी पूरी फैमिली की है और अभी हम इससे पर्दा उठाने वाले, तो काउंट डाउन शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 सही बात नहीं है, वीडियो बोल दो तो चलानी पड़ेगी। हाँ जी जी। अरे हम सारे पीछे बैठेंगे। तो भाई फाइनली हमने डिलीवरी तो ले ली है, अभी ये सूटकेस खाली हो गया। खाली सूटकेस को साथ लेकर ही जाएंगे ना, अभी गाड़ी में डाल देते हैं। अपना पहला सूटकेस हमारी गाड़ी में जाता हुआ, जब जब आपको ये सूटकेस नजर आएगा ना तब तो समझ लो हम नई गाड़ी लेने आ रहे हैं। अभी तो खाली कर दिया हमने, अब इसको दोबारा भर के लाएंगे फिर दूसरी गाड़ी लेकर जाएंगे। ठीक है भाई डन ना। चलो एक चीज और दिखा देता हूँ। अरे दिखाता तो इसके अंदर कपड़े हैं, उनको उनको लगेगा असली में पैसे समझ के फिर तो पैसे दे दी जा रहे बात भी सही है। ध्यान से रखना कहीं मेरी धोती में आग लगा दे, मैं भाग रहा हूँ। पापा जी कैसा लगा बैठ के? अच्छा लगा। चलो अभी दोबारा उतरना है, अभी एक शॉट रहेगा। YouTube का शॉट लिया भी, Instagram पापा कह रहे भाई कितनी वीडियो बनाते। देखो हमारा क्या रहता है ना भाई, YouTube के लिए अलग कंटेंट जाना है, Facebook के लिए अलग जाना है, Instagram के लिए अलग जाना है, तो इतना होच पोच होता है ना। एक ही चीज हम तीन तीन बारी करते हैं, पापा परेशान हो गए, अगली बार से तो नहीं आऊंगा तेरे साथ। आओगे नहीं आओगे? नई गाड़ी देखे तो भाई कह रहे नई गाड़ी लेके फिर आऊंगा। इनको पक्का पता कि हमने नई गाड़ी फिर लेनी है। चलो सही है, ऊपर ही गिरे हो। खोल दूं? ये भी अंदर आ जाएगी। अभी यहाँ पर देख लो टेस्टिंग चल रही है, एक चीज चेक कर रहे हैं पापा। फ्रिज भी है इसके अंदर, ये फ्रिज है पापा। इसके अंदर कोई भी केन वेन डाल दो, फ्रूटी व्रूटी डाल दो ना, एकदम ठंडा हो जाएगा। सही है, अभी एक्सपीरियंस तो आपको देते रहेंगे, अब गाड़ी लेके निकलेंगे तो फिर पूरे रास्ते एक्सपीरियंस ही बताना है। ठीक है, अभी बस टेम्परेरी नंबर प्लेट आ रही है हमारी अथॉरिटी से, जैसी वो आएगी फिर यहाँ से निकल जाएंगे। शाय करते हुए गायब कहाँ जाएंगे? मरीन ड्राइव। जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है ना, यहाँ पर ही बहुत से मरीन ड्राइव है। मरीन ड्राइव वहाँ पर एक समुद्र के किनारे ना रोड है, और बहुत सारे बंदे वहाँ घूम रहे होते हैं। अच्छा है लोकेशन, फोटो खींच सकते हैं वहाँ। आप वगैरह निकलो तो सही। ओके। तो अभी जिससे पहले वाला शॉट देखा ना, जिससे हम गाड़ी लेके जा रहे थे, जा नहीं रहे थे, वो खाली वीडियो बना रहे थे। हम टीपी का वेट कर रहे थे, टीपी आ चुकी है, आगे नंबर प्लेट लग चुकी है टेम्परेरी, और अभी हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव। फाइनली लाइट ही ढूंढ रहा हूँ कहाँ से ऑन होती है। टैप करो ना उस पे। किसको टैप करूँ? खोल दिया, ये तो गोगल रखने के लिए होगा। लाइट नहीं यार, ये तो वो है। No.
नहीं नहीं सनरूफ है, डैशबोर्ड में देखिएगा भाई साहब। गाड़ी ले ली, अंदर से लाइट नहीं ऑन करनी आ रही। अरे तो एकदम से थोड़ी आ जाती है हर चीज। हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है, बटन तो मिले कहीं, मिल भी तो नहीं रहा। क्या पता बटन ही ना हो अभी। टच सिस्टम है क्या? वाओ जल गया। ओके देख रहे हो इसे कहते हैं इंजीनियर, समझ कुछ नहीं आया फिर भी जला दिया। हाँ तो हम ये देख रहे थे कि गाड़ी की रोशनी काफी है कि नहीं है, सही है? हाँ, काफी है, है। काफी हाँ, है लेकिन और चाहिए, लेकिन हाँ पीछे भी लेकिन और चाहिए ना, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चलेंगे। टच वाली है, ये बटन दबाया बटन दबाया बटन दबाया सब बंद अंधेरा। तो ये देखा आपने, यार डिफेंडर निकाली है, फिर समीरन कहने लग गया कि भाई मेरे को भी एक गाड़ी चाहिए। मतलब चल ठीक है तेरे लिए मर्सिडीज निकलवा लेता हूँ। अब समीरन लेकर आ रहा है पीछे पीछे मर्सिडीज, डायरेक्ट आपको मेरे इन ड्राइव पे दोनों गाड़ी दिखाई। हाँ देख रहा हूँ नई गाड़ी होती है ना तो सारे आसपास बैठे हुए कहते हैं यहाँ देखो वहाँ देखो वहाँ देखो यहाँ देखो। बढ़िया मच्छर बढ़िया। क्या मच्छर आ गया? शीशे को थोड़े मच्छर निकाल दो। एक्चुअली गाड़ी का शीशा खोला होता है ना मच्छर आ गया। चलेगी तो उड़ जाएंगे। तो ये देखो जस्ट अभी बाहर निकले मेरीन ड्राइव के लिए और तगड़ा जाम मिल गया। और फ्रंट व्यू देखो यार गाड़ी का क्या सही लग रहा है ना, दिन में और अच्छा लगेगा लेकिन रात में भी बढ़िया लुक आ रही है, इतनी सारी लाइटें वाइटें जल रही है ना। वो लाइट भी है क्या? और लाइट नहीं है यहाँ पे, रोशनी तो आ रही है, कहीं ना कहीं लाइट होगी। कितना सही है ये पकड़ने के लिए ना, जब हम ऑफ रोड वगैरह कर रहे हैं और गाड़ी की साउंड ऐसी है ना, मतलब जैसे हम बैठे ना हमने आवाज बढ़ाई, साहिबा ने कहा एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट करो गाना चलाती हूँ। जैसे ही पहला गाना चलाया, एक बार वही वाला गाना चलाओ ना जो आपने चलाया था पहले, इससे क्या आवाज है खतरनाक, मतलब पैसे वसूल आवाज, पैसे वसूल। चालू क्या छोटी गाड़ी होती है कोई स्विफ्ट वगैरह, उसमें हम पैसे दे के लाख लाख रुपए के सिस्टम लगाते हैं, एम्प ले बेस ट्यूब ले, तब भी वैसी आवाज नहीं आ पाती जैसी इसमें आ रही है। और नहीं और उसमें क्या होता है, स्पीकर भी हिलने लगता है, गाड़ी भी हिलने लगता है, सब कुछ हिलता है, कुछ फट नहीं रहा, स्पीकर फटने लग जाते हैं भाई साहब, जबरदस्त भाई। अब मैं आपको वीडियो में तो ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा ना, आप वीडियो में समझ पाओगे, कभी मिलोगे ना जैसे कोई सब्सक्राइबर रस्ते में चलते चलते मिलता है तो मेरे को बोलना एक बार सिस्टम की आवाज सुनाओ, मतलब हमें भी अच्छा लगता है यार, चीज ली है तो किसी ना किसी को तो दिखाए ना कि हाँ भाई सिस्टम अच्छा है वैसे वाला। चलो तो भाई मेरीन ड्राइव इतना दूर है ना वहाँ से, हमें लगा था 5-10 मिनट पहुंच जाएंगे, दिखा तो सिर्फ 9-10 किलोमीटर रहा था, कम से कम एक घंटे से ऊपर लग गया। अभी भी 300-400 मीटर यहाँ से है लेकिन अपने को लग गई है भूख और यहाँ दिख गया बिरयानी की दुकान, तो पहले खाएंगे उसके बाद जाएंगे। पेट फुल होना चाहिए ना तभी तो एनर्जी रहती है व्लॉग बनाने की, पेट फुल नहीं होगा ना तो व्लॉग ही नहीं बनता। स्पेशल रुके मेरे को बोलने के लिए, सब्सक्राइबर नहीं थे, स्पेशल रुके बोलने के लिए वेरी नाइस, मतलब उनको ड्रेसअप अच्छा लगा। ये हमने मंगाया था शोरमा जो कि आधा खत्म हो गया, भूख इतनी देर लगेगी ना ध्यान ही नहीं रहा, वीडियो ही बनानी है। शोरमा चिकन बिरयानी लेकिन यहाँ पर इसको शोर करते हैं, पूछ के बताओ मंडी कौन सी मार्केट से ले आया हमें, तो इतना अंदर घुसेड़ दिया ना इसने। ये गूगल महाराज ना भाई गड़बड़ करते हैं और अभी भी दिखा रहे हैं 550 मीटर टोटल हमें जाना है और मेरे को लग नहीं रहा ये मेरीन ड्राइव का रास्ता है, ये तो सर किसी लाइट वाली मार्केट में घुस गया, लाइटों की दुकान है भाई। क्या सुंदर चर्च बनी हुई है, एक नंबर, दिन में आते ना और अच्छी लगती है ना, गोवा वाली वाइब है यहाँ पर भी, चर्च बहुत सारी यार केरला में। बाय पहुंच गए मेरीन ड्राइव, और कितनी सारी बोट खड़ी है यहाँ पर। अरे कैसे हो? थैंक यू मिल लिया ना आपके लिए। अभी अभी ये भाई लोग मिले मेरीन ड्राइव पे और ये मेरे को बता रहे इन्होंने शोरूम में फोन किया था जहाँ से हमारी डिलीवरी थी, क्या बोला उन्होंने? वो तो आपने भी वीडियो में देखा, तो बहुत सारे बंदों ने वहाँ फोन करा, कम से कम 100-150 बंदों ने शोरूम में फोन करा, उन्होंने सबको बोल दिया इवनिंग में, और हम पहुंच गए थे वहाँ 11 बजे, तो किसी को टाइमिंग कंफर्म ही नहीं थी, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, अलग अलग टाइम से आ रहे थे। चलो अच्छा ये रोशनी भी दे रहा है मेरे को, चलो सही है मिल गया। तो वहाँ से एक पुल ऊपर आ रहा था जिसके ऊपर हम आ गए और यहाँ से प्रॉपर व्यू दिख रहा है मेरीन ड्राइव का, छोटी छोटी बोट्स यहाँ खड़ी हैं, वो देखो दूर देख रहे हो एक बड़ी बोट है, बाहर का व्यू देखो ना कितना बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली 5th फ्लोर मिल गया ना हमें तो ये बढ़िया हो गया, और होटल हमने ले लिया, पहले हम सोचे थे 100-150 किलोमीटर ड्राइव करके आगे निकल जाते, फिर हमने सोचा नहीं यार ये वाली वीडियो एडिट भी करना है, अभी टाइम देखोगे ना
9:48 अभी हम बैठेंगे एडिटिंग के लिए, एक बजे के एडिटिंग खत्म करते करते आज का वीडियो स्पेशल है, आज का वीडियो स्पेशल है और बहुत सारे इसमें सिनेमैटिक शॉट है, बहुत सारी चीजें, पानी की बोतल आई ले भैया। तो ठीक है यार, खूब करते हैं, आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, देखो अपने को तो बहुत मजा आया और गाड़ी चलाने में कसम से कहते हैं बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूँ, बिल्कुल भी आवाज नहीं है, सिस्टम एक नंबर, मजा आया नहीं आया पापा, कल चलाओगे गाड़ी देखेंगे, अभी तो चला भी तो है। अरे तो मैं तो हुई हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो जवान है। चलो ठीक है, मैं क्या, अभी तो सारे जवान है, सब चलाने वाले हैं, चार बंदे ना हम, तो चारों के चारों गाड़ी चलाते हैं, तो हमें टेंशन नहीं, जितनी मर्जी दूर जाना, एक दिन में 2000 किलोमीटर भी चलाना है ना, 500-500 चारों चला सकते हैं। बाकी ठीक है यार, होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना। देखो आज हमें बहुत खुशी है, जितने बंदे हमें अपनी फैमिली के मेंबर समझते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें भी अच्छा लगा कि हाँ भाई इतने सारे बंदों ने लाइक करा है, और एक छोटा छोटा कमेंट कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, कुछ भी कमेंट करना, मतलब कम से कम 50,000 कमेंट कर देना इस वीडियो में, मतलब देख के अच्छा लगा कि हाँ भाई 50,000 बंदा हमें देख रहा है और हमें हमारा अच्छा चाहता है, वो ऐसा वाला देख के मजा आता ना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। पीछे बैठ के शूटिंग देख रहे हैं, जैसे होते नहीं वो शूटिंग चल रही होती है, पीछे बैठ के देख रहे होते हैं, हाँ भैया लाइफ नहीं आ रही, बड़ा मजा आ रहा है शूटिंग देखने में, हाँ भैया बड़ी जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।